अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी खिदमत में कुछ शेर अल्लामा इकबाल के और कुछ दूसरे नॉन मुस्लिम और मुस्लिम शायरों के पेश करने की जुर्रत करता हूँ। अल्लामा इकबाल के शेर हैं, किस्मत के ताल्लुक से तो अटल है फैसला, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन हाथ पे हाथ करके बैठना भी ये हमारे करीब है। कुव्वत अख्तियारी दी गई अल्लाह ताला ने हमको, उस पर काम करना है। उनका एक मशहूर शेर है, खुदी होकर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा, बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। और एक शेर है, दूसरा शेर है अल्लामा इकबाल का, जो उन्होंने कुरान इतनी दिल से पढ़ी है, कुरान उनके दिल पे उतरी है, इसलिए जब वो कुरान पढ़ते थे तो आंसू निकल आते थे और वो आंसू कुरान पे टपक जाते थे, दूसरे दिन उसको उन आंसुओं को खुश करने के लिए धूप में सुखाया जाता था। तो एक शेर उनकी जो है इसका बहुत ही मौजूद है, सबको मालूम है ये शेर, कोई मैं नहीं समझता कि ये शेर किसी को नहीं मालूम है, कि मोहम्मद से वफा तो तूने, हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या वो है कलम तेरे। ये पूरी सदाकत से पेश होता है, वो कुरान में अल्लाह ताला ने सरकारी दौरान से उनकी तारीफ की है। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से जब पूछा गया सरकारी दौरान के अखलाक कैसे थे, तो उन्होंने यही जवाब दिया था कि आपने कुरान नहीं पढ़ा। ये उनकी तस्दीक होती है, दिल से जो पढ़ते हैं, दिल पे जो कुरान उतरता है उसकी ये कैफियत होती है। दर्द दिल मुस्लिम मुकाम मुस्तफा अस्त, ये भी अखबार का शेर है। आबरे मास ना मुस्तफा अस्त, कुवत खल्व जिगर गुरु नबी, अस्त खुदा महबूब कर गुरु नबी। नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में, मेरे बिगड़े हुए कामों को बनाया तूने, या बार जो मुझसे ना उठा वो उठाया तूने। कुएं में तूने यूसुफ को जो देखा भी तो क्या देखा, अरे गाफिल जो मुतल्लक था मुकय्यद कर दिया तूने। सूफिया के मुतालिक भी अल्लामा इकबाल ने बहुत अच्छे शेर कहे हैं, जो फूल महर की गर्मी पे सो चुके थे उठे, जमीन की गोद में जो पड़े सो रहे थे उठे, है मेरी जिल्लत में कुछ मेरी शराफत की दलील, जिसकी गफलत को मलक रोते हैं वो गाफिल हूँ मैं। मगरिब की तहजीब के लिए उन्होंने काफी अच्छा लिखा है, हमारी तहजीब अपनी खंजर से आप ही खुदकशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। सिद्दीक अकबर के मुतालिक भी बहुत ही अच्छा अंदाज है उनका, बहुत सहल लैंग्वेज में उन्होंने कहा है, परवाने को चिराग से बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। गरम किया खुदाए गयूर ने, पूरे हुए तो वादे किए हुजूर ने, सबक फिर पढ़ सदाकत का अदालत का शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ना के सरकारी दौर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, सरकारी दौर में उनको मिंबर पे बिठा के सुना करते थे। उनकी अरबी ज़बान में जो नात है उसके उर्दू तर्जुमा में पेश करने करता हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों ने आप जैसा खूबसूरत करीम पीकर नहीं देखा, और आपसे बढ़कर हसीन और जमील किसी माँ ने जन्म नहीं दिया। आप हर ऐब से पाक पैदा फरमाए गए, गोया आप हर मर्जी पैदा हुए।
अब दूसरे लोगों के अशआर भी पेश करता हूँ। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। वो हमारी निगाह में नहीं, हम तो इसकी नजर में रहते हैं। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरा औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। मुझसे मुझसे मेरे सरकार का उम्मीद होना, आप पढ़ने नहीं आए थे, पढ़ाने आए। वो जैसे हैं कोई नहीं वैसा नहीं, यही लिखा है तारीख बशर में। जर्मन शायर गोएटे, मशहूर जर्मन शायर हैं, वो अपनी नज़म आफा नगमे मोहम्मदी 1777 में एक तवील नज़म लिखी है, जिसका उर्दू ट्रांसलेशन भी हुआ है, फारसी ट्रांसलेशन अल्लामा इकबाल ने किया है, और उर्दू ट्रांसलेशन प्रोफेसर शाउल हक हकी जामे कराची ने किया है। उसके चंद अशआर पेश करता हूँ उर्दू में। नामे मोहम्मदी के चंद नगमे मोहम्मदी के चंद अशआर। वो पाकीज़ा जिस्म जो रूए फलक चट्टानों पर उतरा, दरकशां सितारों के जी जू जिसके बदन में, सहाबों से ऊपर बुलंद आसमान पर पुरपशां मलाइक की जश्न जश्न निगाह दर्द के साए साए, जिस तरफ इसका रुख हो गया, इसके फायदे खत्म से बाहर आ गई, इसके आगे अभी सहरा भी थे, खुश सुख लहरें भी थी, उतरे आसमान भी थे, सब इसी मेल जहां में पक्ष के मुंतजिर जो तो जो पास इसके आते गए। मैं उसी मशरान शोरा ने भी नगमे कलाम किया है। किसने कतरों को मिलाया और समंदर और दरिया कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, किसने जर्रों को मिलाया और सहरा कर दिया, आदमियत का घर सामान मुहैया कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया। हर चंद अख्तर की शेर है, दूसरे खलीक आए, करीम आए, रऊफ आए, रहीम आए, कहां कुरान ने जिसको साहिब कल के अजीम आए, मुबारक जमाने को के खत्मुल मुसलीन आए, साहब रहम बनकर रहमतुल आलमीन आए, जगन्नाथ आजाद। ये इल्म, ये हिकमत, ये फरासत, ये सखावत शहरा है जहां में शह उम्मी लखबी का, जिसने हमें तौहीद का इसरार बना इसरार बताए, अय बहर मैं कायल ना हूं क्यों ऐसे नबी का। या शंकर बहार तसव्वुर बांध कर दिल में तुम्हारा या रसूल अल्लाह, खुदा का करिया हमने नजारा या रसूल अल्लाह, खुदा का वो नहीं होता, खुदा उसका नहीं होता, जिसे होना होता हो तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जान बहारी लाल महतूर जयपुरी। आखिर में अल्लामा इकबाल का एक शेर औलिया कराम और सोहबत पे बहुत ही अच्छे अंदाज में लिखा है, दिल की बीमारियों को तस्करे के जरिए कंप्लीट किया जा सकता है, पाक किया जा सकता है। दिल बेदार पैदा कर, दिल खौफीदा है जब तक, ये तेरी जर्ब है कारी, ना तेरी जर्ब कारी, जर्ब है कारी ना मेरी जर्ब है कारी, दिल पैदार फारूकी, दिल बेदार कर राही, बस आदम की आदम के ही खफ में कीमिया है दिल की बेदारी।